नमस्कार। तो आज एक विषय को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं कि हमें तीर्थों में क्यों जाना चाहिए और तीर्थों की महिमा क्या है, इसी विषय को लेकर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे भारतीय शास्त्रों में तीर्थों की अत्यंत महिमा बताई गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति तीर्थ में निरंतर जाते रहता है उसके पाप धीरे धीरे कम होने लगते हैं और वह व्यक्ति एक दिव्य जीवन जीने लगता है। उसके भीतर सतोगुण की वृद्धि होने लगती है और वह परमात्मा को पाने में सक्षम होने लगता है। इसलिए शास्त्रों की अत्यंत महिमा बताई गई है। मनुष्य होने के नाते हमारे यह कर्तव्य है कि हम निरंतर तीर्थों में जाते रहें और तीर्थों का दर्शन करते रहें, ताकि उसके दर्शन मात्र से हमारे भीतर जो मैल जमा हुआ है, हमारे मन में जो दूषित विकार जमे हुए हैं, हमारी जो जन्म जन्म के जो पाप हैं, उन पापों को हम काट सकें। इसीलिए हमें चाहिए कि हम निरंतर तीर्थों के आश्रय में रहें और जब भी जीवन में अवसर मिले तो हम तीर्थ अवश्य जाएं, तीर्थाटन अवश्य करें। तीर्थों में अनेकानेक दिव्य व पवित्र नदियाँ भी हैं जिनमें स्नान करके व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ सकता है और अपने जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो सकता है। इसीलिए भी हमें चाहिए कि हम तीर्थों में जाकर उन नदियों में स्नान अवश्य करें, जिसके माध्यम से हम अपने पापों को कम कर सकें, हम अपने पापों को मिटा सकें। क्योंकि मनुष्य जीवन ऐसा है कि हम जाने अनजाने कई पाप कर बैठते हैं, इसीलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि इसी मनुष्य जीवन में हम उन पापों को भी समाप्त कर सकें, ताकि हम उन पापों से मुक्ति पाकर और मोक्ष की ओर बढ़ सकें। आज कलयुग में व्यक्ति चारों तरफ पाप में लिप्त हो चुका है और आप देख ही रहे होंगे किस प्रकार से चारों ओर पाप फैल चुका है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सद्गुण को धारण करें, ना कि दुर्गुण को। और सद्गुण को हम तभी धारण कर सकते हैं जब हम अपने शास्त्रों का निरंतर अध्ययन करेंगे, निरंतर तीर्थ में जाएंगे और तीर्थों में जा करके कुछ सेवा का कार्य करेंगे, तभी हम सद्गुण को धारण कर सकते हैं और अपने पापों से निवृत्त हो सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और तीर्थों में जाते रहना चाहिए, ताकि हम अपने मन को शुद्ध कर सकें, पवित्र कर सकें और परमात्मा तक पहुंच सकें। तीर्थों में जाने के बाद हमारे भीतर एक अलग प्रकार का आनंद भी मिलता है जो हमें अन्य स्थानों पर नहीं मिल सकता। इसलिए भी तीर्थ हमारे लिए अत्यंत लाभदायक है, हमारे लिए तीर्थ अत्यंत आनंददायक है। यदि हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तभी हमें यह ज्ञात होगा कि तीर्थों की किस प्रकार से गुणगान किया गया है शास्त्रों में, और शास्त्रों में तीर्थों को लेकर के क्या क्या बातें बताई गई है। इसलिए हमें चाहिए कि हम शास्त्रों का भी निरंतर अध्ययन करें, ताकि हमें ज्ञात हो सके कि तीर्थों में जाने का क्या महत्व है और तीर्थ में जाने के बाद हम किन किन पापों से मुक्त हो सकते हैं, तीर्थों में सेवा का फल क्या है। इसीलिए हम जब अध्ययन करेंगे तो हमें ज्ञात होगा, हमें अनुभव होगा कि तीर्थों में जाने के बाद हमें क्या क्या लाभ मिल सकता है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी भी तीर्थ में अवश्य जाएंगे और जाकर के सेवा का कार्य करेंगे, और जब तक यह मनुष्य जीवन है तब तक निरंतर तीर्थ में जाते रहेंगे और सेवा का कार्य भी करते रहेंगे। आशा करता हूँ यह विषय आपको समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं अतिशीघ्र आपसे किसी नए भाग में, किसी नई जानकारियों के साथ। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।